नंबर ठाकुर टूडू गोलकीपर के रूप में और जर्सी नंबर 5 पर धर्मेंद्र टूडू, जर्सी नंबर 4 पर सागर हेमराम, जर्सी नंबर 6 पर अनिल टूडू, जर्सी नंबर 10 पर कैप्टन मोहन हेमराम, जर्सी नंबर 15 पर विकास शेख, जर्सी नंबर 13 राम हंसदा, तारा सम्राम, जर्सी नंबर 3 बंडा मुर्मू, जर्सी नंबर 9 मजनू हेमराम। ये है टाइट ब्रदर्स टीसीसी के खिलाड़ियों का नाम। थोड़ा सा मैं प्लेलिस्ट में कमी देख पाया हूँ। टाइट ब्रदर्स टीसीसी के प्लेलिस्ट में कोच या मैनेजर का सिग्नेचर नहीं है। सभी टीम के टीम मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पर जैसे कि टाइट ब्रदर्स टीसीसी के टीम के मैनेजर या कोच का सिग्नेचर बाकी है और रंगा स्पोर्टिंग के टीम के खिलाड़ियों का नाम इस प्रकार से है। टीम का कप्तान है सुनील सरदार और जर्सी नंबर 31 पर 31 पर गोलकीपर के रूप में बहादुर सोरेन, जर्सी नंबर 2 पर हलीम सरदार, जर्सी नंबर 51 यानी कि 51 नंबर जर्सी पर दुन्नू सोरेन, जर्सी नंबर 14 पर गुजू ओराव, जर्सी नंबर 10 पर गोराचंद मार्गी, जर्सी नंबर 8 पर दशरथ सरदार, जर्सी नंबर 27 यानी कि 27 भीम हेमराम, जर्सी नंबर 11 विजय हेमराम, जर्सी नंबर 17 सुनील सरदार जो टीम का कप्तान है, जर्सी नंबर 9 पर नसीब सरदार, जर्सी नंबर 6 पर बोले सरदार और जर्सी नंबर 3 पर हरीश तियो। और सेकंड गोलकीपर के रूप में अर्जुन मार्दी और जर्सी नंबर 5 पर विकास होनहागा। यह है रंगा स्पोर्टिंग टीम के खिलाड़ियों का नाम। चलिए मैं बता दूं, इस नवजोत्सव नाकासा फुटबॉल टूर्नामेंट में एक से बढ़कर एक दरअंदर खिलाड़ियों से सजी हुई टीम रंगा स्पोर्टिंग की टीम। जैसे कि हम सबों के बीच में गोराचंद मार्दी, बहुत ही बेस्ट खिलाड़ी इस मैदान पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं और इनको काफी मान सम्मान और इज्जत के साथ धन्यवाद देता हूं और साथ ही साथ और विजय हेमराम को देखिए, भीम हेमराम जो कि जमशेदपुर में एक जेएसए लीग में गजब का प्रदर्शन किए हैं और इधर देखा जाए विजय हेमराम ये भी जमशेदपुर लीग खेलते हैं झारखंड स्पोर्टिंग क्लब से। ये दोनों अच्छी डिफेंसिव खेलते हैं। ये हलीम के लिए सरका दिए हैं गेंद और फिर एक बार रिसीव करने से तो ऐसे चूक गए हैं दोनों। और टाइट ब्रदर्स भी बहुत ही अच्छे खिलाड़ियों से सजी हुई टीम। जैसे कि मैं बता दूं, ये गोलकीपर ठाकुर टूडू कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में गोलकीपिंग कर चुके हैं, अच्छे गोलकीपिंग का नजारा पेश करते हैं और आज टीसीसी टीम में स्टार मिडफील्डर मिस्टर अजय हेमराम जी मौजूद नहीं है, जरूर से उनका कमी करेगी टीम को, टाइट ब्रदर्स टीसीसी टीम को। और उम्मीद है कि उनका कमी को करने नहीं देंगे क्योंकि मजनू हेमराम, कैप्टन मोहन हेमराम जैसे खिलाड़ी हैं टीसीसी टीम में। कितनी खुशी की बात है कि पहला चक्र का द्वितीय खेल में एक महिला रेफरी के द्वारा इस खेल का एक पुरुष खिलाड़ी को और यहां एक मौका हो सकता है टाटा कॉलेज के लिए, लेकिन वहां पर स्पर के सिवा
और कुछ खा नहीं जा सकता है पैरा कॉलेज के लिए। कितनी गर्व की बात है, कितनी गर्वपूर्ण क्षण इस समय कि हम संचालन हुआ था। गोरा चंद मांडी के कब्जे में गेंद अपने साथी खिलाड़ी को पास दिए हैं विजय सिंह जर्सी नंबर 11 के लिए। देखना होगा यहाँ पर खतरे की क्षेत्र है और खतरे की घंटी किसके तरफ आती है, लेकिन फिर से बैक पास दिए हैं अपने साथी खिलाड़ी को जर्सी नंबर 51 को। रंगा स्पोर्टिंग के कब्जे में गेंद देख रहे हैं उनकी इर्द गिर्द उनके साथी खिलाड़ी को विजय हेम्ब्रम को पास देना बेहतर समझा। विजय हेम्ब्रम ने पास दिया गोरा चंद मांडी के लिए, लेकिन वहां से फिर से उनके साथी खिलाड़ी जर्सी नंबर दिख रहा एक मूव बनाते हुए अपने टीम के लिए। और यहां पर देखना होगा थोड़ा सा अधिक उछाल और गोलकीपर अपने कब्जे में लेकर गेंद को हवाई यात्रा में भेज दिए हैं उनके साथी खिलाड़ी मालूम, लेकिन वहां पर देखना उधर उधर और एक मौका हो सकता है यहां पर और ये कॉर्नर हो सकता है और हो ही गया। हेडिंग के सहारे ही गोलकीपर भी उसको गेंद को अपने कब्जे में लेने की कोशिश किया, लेकिन उनके हाथ से भी छूट करके उनके हेड से लग कर एक खतरे के क्षेत्र में जाकर गेंद एक सुनहरा अवसर टाटा कॉलेज के लिए। अपने साथी खिलाड़ियों को देख रहे हैं और उछाल दिया है, सॉरी पास देने में थोड़ा सा ग्राउंड पास दिए हैं। और इसके बाद खेलने वाली दोनों ही टीम को मैं अनाउंसमेंट कर दे रहा हूं। कार्तिक गुटो एफसी बनाम बेटाल ग्राउंड एफसी के बीच में, और दोनों ही टीम कप्तान से अनुरोध है कि माध्याधर सॉरी खेल समाप्ति के कुछ क्षण पहले ही आप हमारे कमेटी मंच में के सामने यानी रेफरी मंच के सामने उपस्थित होने की कोशिश करेंगे। कार्तिक गुटू एफसी और बेटाल ग्राउंड एफसी की टीम कप्तानों से ही अनुरोध रहेगा। काफी अच्छा खेल का प्रदर्शन, एक तरफ दो रनर खिलाड़ियों से सजी हुई टीम रांगा स्पोर्टिंग की टीम और उनके सामने करी और इस समय हलीम के पास उछली हुई पास दिए है दोनों के लिए यहाँ पर, और फिर एक बार गोरा सुनील को दिए है पास और केतन मोहन के पास इस समय बॉल। देखना होगा केतन मोहन एम्ब्रम जर्सी नंबर 10 पर खेलता हुआ मौका हो सकता है वहां पर टाइट ब्रदर्स के लिए, और काफी अच्छा ब्लॉक वहां पर गोजू के द्वारा खिलाड़ी है दोनों कई बड़े बड़े टूर्नामेंट में खेलते हुए मैंने देखा। अब देखिए डिफेंसिव से अटैकर की भूमिका निभाते हैं, देखिए जर्सी नंबर 51 51 नंबर जर्सी पर दोनों डिफेंसिव भी खेलते हैं और पूरा चढ़ करके खेलते हैं, और देखिए गौरव के पास इस समय बॉल और काफी ठीक जरूर अच्छा किए थे लेकिन दिशा नहीं दे पाए, ठीक करना ही चाहिए। मिस पास हुआ है जर्सी नंबर 15 टाइट ब्रदर्स टीसीसी के लिए, बहुत ही सुंदर सुंदर कटिंग करता हुआ यहां पर अच्छा पास दिया है यहां पर, और यहां पर बाजोर ने कोई गलती नहीं करते हुए अच्छी तरीके से ग्लव्स में लिया है गेंद को और सुंदर पास दोनों के लिए। बहुत ही अच्छा खेल का प्रदर्शन, पूरा मेहनत करके खेल रहे हैं, होना भी चाहिए, और सुंदर पास विजय के लिए और एक खिलाड़ी को कट किए हैं वहां पर और एडवांस पास दिए हैं। देखिए बीम के लिए जर्सी नंबर 27 पर हम लोग देख रहे हैं बीम हेम्ब्रम, ये वैसे लीग में टाटा मोटर्स टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि मैं बताना चाहूंगा बाबूलाल सोरेन
फुटबॉल एकेडमी को गजब का खेल का प्रदर्शन करते हुए पराजित किए थे। दीपक सिंह को भी चकाते हुए गोल दागने में कामयाब होगी बात होगी कुशल जी। धन्यवाद गोपीनाथ जी। मध्यांतर का पूर्व समय खत्म हो चुका है, मध्यांतर का पूर्व का खेल जो है इस समय खत्म हो चुका है। मध्यांतर के बाद का जो खेल है बचा हुआ है 15 मिनट में, दोनों ही टीम किस प्रकार से अपने टीम को बढ़त दिलाने के लिए कोशिश करेंगे आइए देखा जाए, देखते हैं। थोड़ी सी अतिरिक्त थकान जरूर होगी क्योंकि ये मौसम भी ऐसा है। अच्छा वो अग्रवाल का शुक्र लंबी की के साथ टाटा कॉलेज चौबासा के खिलाड़ी, लेकिन वहां पर आकाश पौड़ी के कब्जे में गेंद जाकर के फिर से गोरा चंद माड़ी के कब्जे में गेंद अपने साथी के खिलाड़ी ग्राउंड पास के माध्यम से पीछे छोटी मोटी पास के साथ गेंद को आगे बढ़ाने में कामयाब होते हुआ इस समय आकाश पौड़ी से कप्तान सुनील सरदार जी। लेकिन थोड़ा सा हेलो अभी माडी ग्रुप को अभी कमेटी तो नहीं जाबू जी आई नितिन खान का जी ये माडी ग्रुप वाला को अब कमेटी तो अंदर को जा बुझू आजा तुरंत गए ऐसे गाड़ी बहुत ना इन्हें मिलते हैं। कप्तान के कब्जे में गए इस समय रंगा स्पोर्टिंग के ग्राउंड पास के माध्यम से विजय को दिया जा रहा था, लेकिन थोड़ा सा गेंद की गति को नहीं समझ पाया और इस तरह से पीछे जा रहा स्पोर्टिंग के कब्जे में गया, जिसे कप्तान के कब्जे में रंगा स्पोर्टिंग के यहाँ बहुत अच्छा पास दिए हैं। देखना होगा वहां से एक खिलाड़ी को चकाते चका के आगे ले जाने की कोशिश, लेकिन वो कामयाब हो जरूर, लेकिन 14 नंबर जैसी जो रंगा स्पोर्टिंग के गेंद की गति को माप नहीं पाए और गेंद उनसे छूटते हुए सीधा आउटलाइन से बाहर गोल पोस्ट के सामने। भी तारीफ की जाए इन दोनों टीमों के बीच का जो खेल है ना बहुत ही लाजवाब तरीके से चला है इस समय तक। 0-0 की बराबरी पर दोनों टीमें अपने टीम को रखे हैं। आप दोनों खेल समाप्ति के पहले ही हमारे रेवरी पंडाल के सम्मुख चले आएंगे। अब शायद कुछ हो सकता है रंगा स्पोर्टिंग के लिए, लेकिन वहां से गेंद उसे छीनी गई है। अब टाटा कॉलेज के कब्जे में गेंद अपने साथी खिलाड़ी जेसी नंबर 69 को पास दी है, लेकर गेंद को लेकर आगे बढ़ते हुए लंबी की के साथ उनको पास दिया गया है, लेकिन वहां पर गोल सुपर मौजूद और आसानी से गेंद को कब्जे में लेकर बहादुर सोरेन अपने साथी खिलाड़ी को पास दिए हैं। फिर से एक बार गुरचंद माड़ी के पास गेंद और गेंद छोटा मोटा पास बहुत खतरनाक साबित हो सकता है दूसरे टीम के लिए और समझ नहीं पाते हैं क्योंकि छोटा मोटा पास में किसके कब्जे में कब चली जाती है गेंद।
समय गोरखन माडी के लिए, लेकिन गोलकीपर उसे गोल पोस्ट को ऊपरी पोस्ट से लगकर गेंद सीधे ऊपर छिटकते हुए मैदान के बीचों बीच में पीछे आ चुका है। इतनी तेज शॉट की अगर गोल पोस्ट में समा घुसती तो शायद नेट को भी फाड़ सकता था, लेकिन ऊपरी पोल में लग करके गेंद फिर से वापस और खेल फिर से जारी है इस समय। और फिर से एक बार उनको मौका मिला है, देखना होगा वहां, और गोलकीपर के हाथ में आराम से चलो पीछे जा पीछे जा। कब्जे में गया जैसे नंबर 10 के कब्जे में और उनसे छीनी गई गेंद फिर से इसमें के थोड़ा गेंद को अपने कब्जे में लेकर आगे बढ़ते हुए वहां पर साथी खिलाड़ी को पास दिए हैं। खतरे के क्षेत्र पर गेंद है इस समय राणा स्पोर्टिंग के लिए, थोड़ा सा थोड़ी सी डिलाई मतलब अपना खतरा फिर से गोराचंद के कब्जे में गेंद अपने साथी खिलाड़ी 27 नंबर को दिए हैं रंगा स्पोर्टिंग के खिलाड़ी के पास। बहुत ही शानदार में इसका प्रदर्शन होता हुआ पहला राउंड का दूसरा मैच जो है टीसीसी और एक जबरदस्त शॉट लेकिन ग्राउंड को पास के माध्यम से, लेकिन शायद किस्मत शायद मेहरबान नहीं है रंगा स्पोर्टिंग के लिए। शायद हमको लगता है कि किस्मत थोड़ा सा रुका हुआ होगा रंगा स्पोर्टिंग के लिए, दोनों ही बार अपनी टीम को बढ़त दिलाने के लिए अब तक ये मैच गोल रहित और गोलकीपर की जितनी भी तारीफ की जाए उतनी ही कम है टेट ब्रदर्स टीसीसी के लिए। और रंगा स्पोर्टिंग के टीम गोल के टीम गोलकीपर को भी मानना पड़ेगा बहादुर सोरेन को। अब मौका हो सकता है यहाँ पर टाटा कॉलेज के लिए, लेकिन शायद दोनों टीम का किस्मत एक तरह का ही है, दोनों के ऊपर से किस्मत रूठा तो दिल भी टूटा पहले बात ही समय दोनों टीम के साथ हो चुका है। रंगा स्पोर्टिंग के साथ 2 बार, टाटा कॉलेज के साथ 1 बार। जैसे कि मैंने कहा कि चैंपियनों के चैंपियन गोलकीपर इस समय टक्कर में है, दोनों को कम आंकना बहुत बड़ी भूल होगी दोनों टीम के गोलकीपर के लिए। अब यहां मौका हो सकता है, लेकिन के सिवा बोलना भी थोड़ा सा असमंजस की स्थिति में आ गया है दोनों टीम के लिए। फिर से गौरव सिंह के कब्जे में गेंद अपने साथी खिलाड़ी विजय हेमरों को पास दिए हैं, वहां पर खुद कप्तान के कब्जे में गेंद सुनील सरदार लेकिन एक फिर से मौका लगता है अगर खिलाड़ी अपने आप को सही जगह एडजस्ट करके अगर सही हेडर के माध्यम से अगर करते हैं तो कुछ लक्ष्य एक दूसरे के प्रति देखने को मिलेगा, लेकिन डिफेंडर उतने ही चौकन्ने टीसीसी के गेंद को हेडिंग